आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली पुलिस ने देर रात गंग नहर से ऐसे दो शातिर बदमाश शाबेज और अफसर को गिरफ्तार किया है जो आम जनता को ठग कर उनकी गाड़ियां दिल्ली और नोएडा स्थित कंपनियों में लगवाने के नाम पर उनकी गाड़ियां चोरी कर देते थे और बाद में फर्जी कागज बनवाकर इन गाड़ियों को मार्केट में बेचने का काम करते थे। जहां पकड़े गए बदमाशों के दो साथी रविंदर और अबरार पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, तो वहीं पुलिस ने इन बदमाशों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 9 चोरी की कारें भी बरामद की हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर की माने तो जानसठ में एक और गैंग गिरफ्तार किया गया है। वाहन चोरों का गैंग है बल्कि वो एक ठगी का भी गैंग है। इनसे 9 गाड़ियां बरामद की गई हैं, 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन्होंने 2 गाड़ियां चोरी भी की हैं, जिनमें शाहपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। ये ऐसा करते थे कि पब्लिक लोगों के पास जिनके पास उनकी गाड़ियां होती थी उनको ये आश्वासन भी देते थे कि आपकी गाड़ी नोएडा और गाजियाबाद में टैक्सी के रूप में चलवा देंगे। उस बहाने से उनसे गाड़ियां लेते थे, फिर ये उन्हें बेच देते थे। शुरू के 1-2 महीने में उनके खाते में 15,000 से 20,000 रुपए डाल दिया करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि गाड़ी उनकी टैक्सी के रूप में चल रही है। बाद में उन गाड़ियों को बेचकर सारे पैसे ऐंठ लिया करते थे। देखिए, जानसठ में एक गैंग को भी गिरफ्तार किया गया है जो न केवल वाहन चोरों का गैंग है बल्कि वो एक ठगी का गैंग भी है, क्योंकि इनसे 9 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 2 अभियुक्त ये पकड़े गए हैं। ये 2 गाड़ियां इन्होंने चोरी भी की इसमें, जिसपे शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा ये लोग ये करते थे कि पब्लिक के लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां होती थी उनको ये आश्वासन देते थे कि आपकी गाड़ियां हम नोएडा गाजियाबाद में टैक्सी के रूप में चलवा देंगे। उस बहाने से उनसे गाड़ियां लेते थे, उनकी गाड़ियों को आगे फर्दर ये बेच दिया करते थे। पहले 1-2 महीने तक ये उनको 15-20,000 रुपये महीने में उनके अकाउंट में डालते थे ताकि उनको ये लगता रहे कि भाई उनकी गाड़ी वाकई में टैक्सी के रूप में चल रही है। तब तक उस गाड़ी को बेच दिया करते थे और बेच के वो सारे पैसे ये लोग ऐंठ लिया करते थे। सर, क्या को किस तरह के नाम दिए गए पार्टी में? देखिए, ये जो हमारी टीमें लगी हुई हैं इन सभी को इनाम मेरे स्तर से घोषित किया गया, 10,000 रुपये प्रत्येक उसमें इनाम दिया गया।